Vighnaharta Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है, वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं, गजानन ने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग किया। हाँ कुमार कार्तिकेय, गजानन ने ही अपनी चतुराई से हम सबको प्रत्येक संकट से मुक्ति दिलाई, इसलिए गजानन ही सर्वथा योग्य है। हाँ कुमार कार्तिकेय, आप उचित कह रहे हैं। जिन विघ्नहर्ता ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि और बल के संयोग से हमारे मार्ग में आने वाले सारे संकटों से हमें मुक्ति दिलाई, केवल वो ही विजयी कहलाने योग्य है, और वो कोई और नहीं, देव गजानन है। गजानन है। अर्थात विघ्नहर्ता गजानन विजयी हुए, विजयी हुए, विजयी हुए। आस्य पार्वती नंदन गजानन मात्र इसी नाम से नहीं जाने जाएंगे, उनको एक और नाम प्राप्त होगा। अब मैं वो घोषणा करूंगा जिसकी गूंज समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और जगत के प्रत्येक गण तक पहुंचनी चाहिए। देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, आकाशगण, पातालगण, भूगण, जलगण, दीर्घगण, लघुगण, पशु पक्षी और समस्त चराचर जीवगण, सभी गणों के ईश गजानन आज से गणेश कहलाएंगे, गणेश कहलाएंगे, गणेश कहलाएंगे। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता होंगे गणेश। गणेश, विघ्नहर्ता गणेश। इसलिए आज से एक नवीन विधान का भी निर्माण होता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। अकस्मात क्या हो रहा है? ये क्या? यमदेव जी अपने कार्य में असफल क्यों हो रहे हैं? वायुदेव भी अपने कार्य में असफल हो रहे हैं।
अग्निदेव की शक्ति भी कार्य नहीं कर रही। मेरी शक्ति यज्ञ का तेज क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? देवताओं की शक्ति भी जैसे कोई हर रहा है, ज्ञात नहीं उन्हें स्वयं इस बात का आभास हो रहा है या नहीं। ये किस अनिष्ट का संकेत है? मुझे शीघ्र इसके पीछे छुपे रहस्य को ज्ञात करना होगा। अनुचित अवश्य है। प्रतीत होता है जैसे सृष्टि के समस्त तत्वों को कोई सोख कर उनकी शक्ति को छीन कर रहा है। किंतु कहां विलीन हो रहे हैं ये तत्व? कौन सी अनिष्टकारी शक्ति ने अपनी ओर खींच रही है? ये सभी तत्व तो एक ही ओर जा रहे हैं। वहां जाकर देखता हूँ। मूषक जी चलिए। महासंकट का षड्यंत्र रच रहा है, मुझे शीघ्र ज्ञात कर रोकना होगा उसे। और शिव भक्ति के स्वरों की गूंज भी सुनाई दे रही है, अर्थात पिताश्री को इस रहस्य का भेद अवश्य ज्ञात होगा। उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। श्री के ध्यान में व्यवधान डालकर सृष्टि का अहित नहीं होने दे सकता, किंतु सृष्टि यदि इसी प्रकार पंच तत्वों से रहित होती रही तब तो संपूर्ण जीवन का अहित होगा। फिर तो मुझे ही शीघ्र इस संकट से उबरने का उपाय ढूंढना होगा। क्या हुआ? ऐसी कौन सी चिंता है जिससे मेरा पुत्र उलझन में है? माँ, वो मन में जो भी है वो कहने से, किसी अन्य के साथ अपनी समस्या को साझा करने से समाधान सरल हो जाता है पुत्र। माँ, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य मांत्रिक शक्ति ने विफल कर दिया। त्रिपुर, पद के साथ व्यक्ति का दायित्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमें पद की गरिमा और दायित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।